अभी बकरीद आ रही है, बकरीद आ रही है, कुर्बानी आपको देनी है। मैं आपको एक कुर्बानी सस्ती सी बता रहा हूँ, महंगाई बहुत हो गई है, एक कुर्बानी आप भी दे दीजिए। और इस बार आपने बकरे की कुर्बानी नहीं देना है, बहुत अच्छी बात, एक बकरी की कुर्बानी देना। वाह वाह वाह, जो दे रहे हैं बकरे की उन्हें देने दीजिए। हर आदमी को अपनी जगह एक बकरी की कुर्बानी इस साल देनी है। ये बकरी खरीदने की भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल फ्री में, न मंडी जाने की जरूरत, न चारा खिलाने की जरूरत, न बार्गेनिंग की जरूरत, न परेशानी की जरूरत, सबके पास है ये बकरी। और खुद हर शख्स के पास ये बकरी है, बताऊं कैसे, जो हर वक्त मैं ये जो अना की बकरी है, ये जो हर आदमी के पास आना की बकरी है ना, जो हर बात में मैं ना होता तो मजलिस ना होती, मैं ना होता तो जुलूस ना निकलता, मैं ना होता तो अलम ना निकलता, मैं ना होता तो मजलिस ना पढ़ी जाती, मैं ना होता तो सोसखानी ना होती, मैं ना होता तो नोहाखानी ना होती, मैं ना होता तो मजलिस होती। गलत फहमी में जी रहे हो, जब तुम नहीं थे तब भी मजलिसें थी, जब तुम नहीं रहोगे जब भी मजलिसें होंगी। और घबराओ नहीं, दो चार तो तुम्हारी भी होंगी। सबकी होंगी। और एक जुमला अज़ादारी से मुताल्लिक सुन ले, किसी मीर साहब को, किसी मियाँ को, किसी दौलतमंद को, किसी चौधरी को, किसी पैसे वाले को, किसी नकचढ़े को ये शऊर ना पैदा हो, ये एहसास न पैदा हो कि अगर हम न रहे तो मजलिस कैसे होगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने मजलिस नहीं कराई तो मजलिस कैसे होगी, हमने जुलूस नहीं निकाला तो जुलूस कैसे निकलेगा, हमने ये नहीं किया तो कैसे होगा, हमने ये नहीं किया तो कैसे होगा। इन सारे गुरूर पसंदों को बताओ कि तुम, गौर से ये तुम इस बात को समझ लो कि आजादारी तुम्हारे वजूद से नहीं, तुम आजादारी के सदके। इस गलत फहमी को, ये आजादारी तुमसे बाकी नहीं है, बेशक बेशक तुम इस आजादारी से बाकी। और जिस तरह से हमारे खिलाफ साजिशों के जाल बुने जा रहे हैं, अगर किसी गैबत के इमाम का साया ना होता तो ये कौम चुटकियों में मसल दी गई। कौम तशय्यो बची ही इसलिए है कि ये लावारिस नहीं है। वो कौमें खत्म होती हैं जो लावारिस हों। खुदा का शुक्र है कि हमारा वारिस भी इस्मत के आला मंजिल पर फायज है। इसलिए खबरदार, किसी को ये ख्याल ना हो हम आज़ादारी नहीं करेंगे, आज़ादारी नहीं होगी, हमारी मजलिस शुरू नहीं होगी तो आज़ादारी नहीं होगी। गलत फहमी है, तुम्हारी आँख खुलने से पहले आज़ादारी हो रही थी, तुम्हारी आँख बंद होने के बाद भी होगी। तुम्हारे लिए शरफ है कि अपनी हयात का चिराग फर्श अज़ा पे ले आओ ताकि उजाले कायनात को मिल जाए। अपनी ज़िंदगी को संवार लो, इसलिए कि फर्श अज़ा से बेहतर कोई जगह हयात के संवारने की नहीं है।